फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि न्यूज़ आ रही है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई ने करीबन 80 रफाल के ऑर्डर दिए हैं। साथ ही साथ अब 12 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स भी लिए हैं। जो अमाउंट है इस डील की वो करीबन 19 बिलियन डॉलर्स की है। तो ये अब तक की सबसे बड़ी रफाल डील है जिसको यूएई ने फ्रांस के साथ साइन किया है। तो इस डील के साथ ही जो रफाल के एक्सपोर्ट नंबर्स हैं वो यूरोफाइटर टाइफून से ज़्यादा हो गए हैं, जिसके मुकाबले इस प्रोजेक्ट को एक फेलियर बताया जाता था। तो यहाँ पर ये बात भी आपको बता दें कि जो यूएई की एयरफोर्स है वो पहले से ही फ्रेंच मिराज 2000 को यूज़ करती हैं, जो कि एडवांस 2009 वेरिएंट है। साथ ही साथ उनके द्वारा F-16 के ब्लॉक 60 वेरियंट्स को यूज़ किया जाता है, जो कि ब्लॉक 70 के बाद सबसे ज़्यादा एडवांस F-16 है। तो इन नए रफाल F-4 के बाद जो यूएई की एयरफोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। तो इसी रिपोर्ट पर हम बात करेंगे कि इस चीज़ का इम्पैक्ट इंडिया के साथ क्या पड़ सकता है और हमको यहाँ पर क्या करना चाहिए था जिसको हम करने में सक्षम नहीं रहे। तो अभी डसॉल्ट एविएशन के पास रफाल F-4 के दो ऑर्डर हैं, जिसमें 80 यूएई के हैं और 30 के करीब इजिप्ट के हैं। बाकी उनको अपनी एयरफोर्स को भी सप्लाई करने हैं। तो पहले सिचुएशन ये थी कि उनके पास ऑर्डर संख्या कम थी, तो इसकी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी थी कि इंडिया अगर 100 के ऊपर यानी कि 100 के ऊपर रफाल के लिए नेगोशिएट करता तो जो प्रोडक्शन लाइन है उसको इंडिया शिफ्ट किया जा सकता था, क्योंकि उनके पास ऑर्डर संख्या कम थी और इंडिया का ऑर्डर जो है वो सबसे ज़्यादा होता। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है, डसॉल्ट एविएशन के पास एक बड़ा ऑर्डर है यूएई के लिए। और एक और जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पर अगर इंडिया रफाल को ऑर्डर करता है तो क्योंकि पहले से ही उनके पास प्रायर ऑर्डर हैं, तो हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं उनका नंबर काफ़ी बाद में आएगा, जो कि डिलीवर भी लेट होंगे। तो अब उनसे नेगोशिएट करना कि जो रफाल की प्रोडक्शन लाइन है उसको इंडिया में शिफ्ट किया जाए, ये थोड़ा मुश्किल होगा। ऑल्दो इसकी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, क्योंकि उनकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो वैसे ही काफ़ी इंगेज रहेगी, तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन लाइन से डसॉल्ट एविएशन को ही फ़ायदा होगा। लेकिन पहले जितनी आसानी नेगोशिएशन में शायद अब ना हो। तो अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरी चीज़ की, जहाँ ये कहा जाता है कि हमें और रफाल की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे खुद के प्रोजेक्ट चल रहे हैं तेजस मार्क 2 के और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के। तो यहाँ पर आपको ये बात हम बता दें कि अगर हम तेजस मार्क 2 को और आमका को उनकी टाइमलाइन के हिसाब से इंडक्ट करते हैं तब भी 15 साल में हम 35 यानी कि 35 स्क्वाड्रन की संख्या को नहीं पहुँच सकते। तो हमको पैरेलल में और एयरक्राफ्ट चाहिए ताकि हम उस संख्या को कम से कम 15 साल में पहुंच सकें, जो कि हमारे MRFA कॉम्पिटिशन से आएंगे। तो हमने पहले ही 36 रफाल ले रखे हैं और इनकी कैपेबिलिटी पे कोई डाउट नहीं है। तो अगर किसी तरीके से हम इनकी प्रोडक्शन लाइन को इंडिया में शिफ्ट करने में सक्षम होते तो उसका फ़ायदा ये होता कि फ्यूचर में हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म होते जो कि सर्विस में होते वो मेड इन इंडिया होते, तो उसको हम लंबे समय के लिए यूज़ कर पाते, स्पेयर्स वगैरह का इशू ना होता और मेंटेन करने में ज़्यादा आसानी होती। इसलिए जो प्रोडक्शन लाइन है रफाल की वो इंडिया में शिफ्ट अगर हो जाए तो हमें फ़ायदा ही होगा। तो हमारे एयर चीफ मार्शल पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि MRFA जो कॉम्पिटिशन है उसको लेकर इंडियन एयरफोर्स काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और इसके साथ वो आगे बढ़ने वाले हैं। तो उसके अंतर्गत अगर रफाल ही लिया जाए तभी इंडियन एयरफोर्स को पहले की जो रफाल परचेज है उससे फ़ायदा होगा। तो अगर हम इसे मिस्ड अपॉर्चुनिटी कहें तो ये पहली नहीं होगी। C-17 के केस में हम धोखा खा चुके हैं, साथ ही मिराज की जो प्रोडक्शन लाइन है उसको शिफ्ट कराने में हम धोखा खा चुके हैं, जिसकी वजह से हमें सेकेंड हैंड एयरक्राफ्ट लेने पड़ रहे हैं ताकि हम फ्लीट को मेंटेन कर पाएँ। और अनफॉर्चुनेटली अगर हम रफाल की प्रोडक्शन लाइन को इंडिया शिफ्ट करने में सक्षम नहीं होते हैं तो फ्यूचर में रफाल के साथ भी ऐसा करना पड़ सकता है। तो अगली रिपोर्ट की बात करें, फाइनली इंडिया की जो AK-203 की डील है उसको क्लियर कर दिया गया है और ये रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की इंडिया विजिट के दौरान साइन कर ली जाएगी। तो जैसा कि हम जानते हैं करीबन 6 लाख जो AK-203 असॉल्ट राइफल्स हैं उनको अमेठी बेस्ड फैक्ट्री से बनाया जाना है। इनको हमारी तीनों आर्म फोर्सेस के साथ साथ जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हैं उनके द्वारा यूज़ किया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है, फाइनली जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो सकता है। इसी बात पर इन अपडेट्स को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।